Good morning all the students. Myself, Sandeep Das, I'm your computer teacher. Today we will discuss our new chapter, means new session. Session 6, about using offline blog editor. हम लोगों ने पिछले चैप्टर में ब्लॉग के बारे में पढ़ा था कि कैसे हम लोगों ने ब्लॉग को क्रिएट किया, ठीक है, कैसे पोस्ट को अपना ब्लॉग पे करते थे, यूज़ कैसे करते थे, ब्लॉग को कैसे तैयार किए, उसके बाद कैसे अपने पोस्ट को क्रिएटिविटी किए, उसमें एक अलग ही अपीयरेंस उसमें दिए, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग अपने ब्लॉग को ऑफलाइन यूज़ करेंगे, ठीक है। ब्लॉग एडिटर के ज़रिए आप अपने ब्लॉग को ऑफलाइन कैसे यूज़ करेंगे, आज हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। जो आज हमारा टॉपिक होगा वो होगा ऑफलाइन ब्लॉगिंग, कैसे हम ऑफलाइन ब्लॉग इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, आज इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे। ओके स्टूडेंट, सो लेट स्टार्ट आवर टॉपिक, यूजिंग ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर। ओके, सो आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा, ठीक है, कि कैसे हमने क्रिएट किया wordpress.com के ज़रिए, यानी ब्लॉग बनाया हमने। अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है तो आप ब्लॉग इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर नहीं भी है तो आप अपना ब्लॉग तब भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं विदाउट द इंटरनेट कनेक्शन। ओके, तो आज इसी चीज़ पे आज हम लोग इसी मैटर पे डिस्कस करेंगे। तो ऑफलाइन ब्लॉगिंग, ऑफलाइन ब्लॉगिंग मीन्स टू राइट अ पोस्ट व्हेन यू आर नॉट कनेक्ट टू द इंटरनेट। अगर आप इंटरनेट से कनेक्ट नहीं है, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। आप ऑफलाइन ब्लॉगिंग कहने का मतलब होता है कि आप विदाउट इंटरनेट भी आप अपना ब्लॉग इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। फॉर ब्लॉगर हु कैनॉट यूज़ द इंटरनेट 24/7 बट नीड टू अपडेट देयर ब्लॉग रेगुलरली, ठीक है, ऑफलाइन ब्लॉगर एडिटर इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अगर कोई यूज़र इंटरनेट पे 2400 घंटा, मतलब सात जो 7 वीक्स होते हैं उसमें कभी वो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता है इंटरनेट का, तो वो ऐसे ब्लॉग को ब्लॉग एडिटर के ज़रिए, ठीक है, ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर के ज़रिए वो अपने पोस्ट को ब्लॉग पे कर सकता है, ठीक है। ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर आर द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट हेल्प यू टू ईजली राइट, एडिट, स्पेल चेक एंड मैनेज द कंटेंट ऑफ योर ब्लॉग विदाउट बीइंग कनेक्टेड टू द इंटरनेट। ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर आपका एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से जो ब्लॉग पे आप अपना लिख सकते हैं, आप अपने ब्लॉग को, पोस्ट को लिख सकते हैं, स्पेल चेक कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, अपने मैनेज कर सकते हैं अपने ब्लॉग को विदाउट यूजिंग द इंटरनेट कनेक्शन, ठीक है। ऐसे कुछ पॉपुलर ऑफलाइन ब्लॉगिंग एडिटर है जो आपको देखने के मिलते हैं। पहला है आपका विंडो लाइव राइटर, ठीक है, दूसरा है क्यूमाना, तीसरा है ब्लॉग डेस्क, चौथा है थिंगामा ब्लॉग एंड पांचवा है स्क्राइब फायर। ये ऐसे पॉपुलर 5 ऐसे ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर हैं, ठीक है। अब इसके एडवांटेजेस क्या है, ऑफलाइन ब्लॉगिंग के एडवांटेजेस क्या है, ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर आर फास्टर देन द ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर, ऑनलाइन ब्लॉग एडिटर। ओके, ऑफलाइन जो ब्लॉग एडिटर है वो बहुत फास्ट काम करता है ऑनलाइन आपका ब्लॉग एडिटर के ज़रिए, ठीक है। पहला ये आपका एडवांटेज है। दूसरा, व्हाइल यूजिंग एन ऑफलाइन एडिटर यू हैव बैकअप कॉपी ऑफ योर पोस्ट ऑन हार्ड ड्राइव। आप अगर ब्लॉग ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर इस्तेमाल करते हैं तो आपका एक बैकअप कॉपी आपके हार्ड ड्राइव में पहले से स्टोर रहता है, यानी अगर आपको वो, मतलब इंटरनेट कनेक्शन होने पर आपको वो पोस्ट करना है, अपलोड करना है, तो आप वहाँ पे अपने बैकअप के थ्रू आप अपना पोस्ट को अपलोड कर सकते हैं अपने ब्लॉग में। विथ अ ब्लॉगिंग ऐप ऑल द एडवांस एडिटिंग फॉर्मेटिंग फीचर आर अवेलेबल एज यू गेट इन द wordpress.com एडिटर। यानी आप ब्लॉगिंग ऐप तो इस्तेमाल करते हैं, इसमें आपको बहुत सारी फीचर्स अवेलेबल होते हैं, एडिटिंग का, फॉर्मेटिंग का, ये सारी चीज़ आपको वर्डप्रेस एडिटर के ज़रिए मिलता है। द नेक्स्ट एडवांटेज इज ऑफलाइन एडिटर प्रोवाइड सेटिंग फॉर इमेज, वीडियो एंड लिंक ईजली। ऑफलाइन एडिटर में भी आपको बहुत सारी फैसिलिटीज, सेटिंग्स देखने को मिलती हैं, चाहे वो इमेज का हो,
वीडियो का हो और कोई लिंक का हो, तो वो सारा फैसिलिटी आपको ऑफलाइन एडिटर में प्रोवाइड होते हैं। नेक्स्ट, दीज एडिटर प्रोवाइड फैसिलिटी टू ऐड टैग्स एंड कैटेगरी डायरेक्टली। ये एडिटर आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है कि कोई भी सर्टेन टैग्स हो, कैटेगरीज हो, आप क्या करते हैं, आप उसे डायरेक्टली अपने एडिटर के जरिए कर सकते हैं यूज़, ठीक है, अपने ब्लॉग में। नेक्स्ट इज दीज एडिटर हेल्प यू टू पब्लिश मल्टीपल ब्लॉग क्विकली एज ईजी टू स्विच फ्रॉम वन ब्लॉग टू अनदर। ये एडिटर क्या करता है कि आपको मल्टीपल ब्लॉग को पब्लिश करने में मदद करती है। जैसे मान लीजिए कि हमारा एक से ज़्यादा ब्लॉग है, तो आप ऑफलाइन एडिटर के जरिए एक ब्लॉग से दूसरे ब्लॉग पे तुरंत जा सकते हैं। ये ऑफलाइन एडिटर का इम्पॉर्टेंट फीचर है, ठीक है। ऑफलाइन एडिटर लेट यू पोस्ट योर आर्टिकल डायरेक्टली टू योर ब्लॉग और पोस्ट एज अ ड्राफ्ट। ऑफलाइन एडिटर का काम होता है कि आपके आर्टिकल को डायरेक्टली आपके ब्लॉग पे क्या करता है, पोस्ट करके रख देता है, ठीक है, एज अ ड्राफ्ट। मतलब आप अपने, जैसे अगर इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो आप अपना ब्लॉग में कोई पोस्ट रखना चाहते हैं तो आप उसे पोस्ट कर करके तैयार कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया माइक्रोसॉफ्ट विंडो लाइव राइटर। कैसे हम एक ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर, जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट विंडो लाइव एडिटर, कैसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, इसका क्या यूज़ होता है। विंडो लाइव राइटर is the most convenient offline blogging tool and due to its amazing feature it is widely used and absolutely free download। ये आपको free downloaded होता है, ठीक है, आप इसको free downloaded कर सकते हैं। ये आपको Microsoft के द्वारा provide की जाती है। इसमें आपको offline blogging बहुत सारे tool को देखने को मिलता है, ठीक है। इसके ऐसे कुछ features है, इट सपोर्ट मल्टीपल ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म, आप इसमें एक से ज़्यादा मल्टीपल ब्लॉगिंग कर सकते हैं। विंडो लाइव राइटर कम्स विद WYSIWYG एडिटर टू कीप द इंस्टेंट प्रीव्यू ऑफ योर ब्लॉग पोस्ट यूजिंग योर करेंट थीम। यानी इसमें आपको विंडो लाइव राइटर में आपको ऐसे इंस्टेंट प्रीव्यू देता है आपके ब्लॉग के लिए, आप इसको अपने करेंट थीम के जरिए भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो इसका फीचर है, इट हैज़ बिल्ट इन इमेज एडिटर एंड पोस्ट अप एंड प्रोवाइड अ पोस्ट शेड्यूलिंग फीचर। आप इसमें अपने इमेज को बिल्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये एडिटर आपको इमेज बिल्ट करने में मदद करती है और पोस्ट शेड्यूलिंग का भी फीचर आपको प्रोवाइड करती है। कौन? विंडो लाइव राइटर, ठीक है। इट हैज़ एक्सटेंसिबल फीचर थ्रू प्लगइन। इसमें ऐसे बहुत सारे फीचर्स आपको प्लगइन यानी इसमें ऑलरेडी इनबिल्ट रहते हैं, आपको देखने को मिलते हैं, जो आपको यूज़ करने में बहुत आसान होता है। इट हैज़ द ऑप्शन टू ऐड कैटेगरी एंड टैग। आपको विंडो लाइव राइटर में आप ऐसे बहुत सारे कैटेगरी और टैग को ऐड कर सकते हैं। विंडो लाइव राइटर हैज़ पोस्ट ड्राफ्ट एंड बैकअप फीचर। इसमें भी आपको पोस्ट करने का ऑप्शन और बैकअप का फीचर अवेलेबल होता है। इट हैज़ एन इनबिल्ट स्पेल चेकर। इसके अंदर आपको जैसे ग्रामेटिकल मिस्टेक हो, स्पेल चेकर हो, वो ऑलरेडी आपको लाइव राइटर, ठीक है, में देखने को मिलते हैं। कैसे हम इसे डाउनलोड करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग डाउनलोड विंडो लाइव राइटर माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन साइट से जाएंगे, ठीक है। लिंक आपके जस्ट उसके नीचे दिया हुआ है आपके बुक पे, ठीक है। उस पर क्लिक किए, डाउनलोड नाउ ऑप्शन आएगा, आप डाउनलोड नाउ ऑप्शन पे जाते हैं। जैसे ही डाउनलोड नाउ ऑप्शन पे आता है तो आपका वो प्रोसेसिंग चालू हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। स्टार्ट होने पर वो आपका प्रोसेस जब तक कंप्लीट नहीं होता है, तो वो आपका कंप्लीट होने पर वो आपका कहीं पे एक किसी भी पार्टिकुलर डाउनलोड सेक्शन में या किसी भी ड्राइव में वो ऑलरेडी जाकर के डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद उसे कैसे इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, हम अपना जब हमारा डाउनलोड हो जाता है विंडो लाइव राइटर तो उसे कैसे इंस्टॉल करेंगे वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, डबल क्लिक, ठीक है। जैसे ही आपका वो इंस्टॉल हो जाता है आपका वो एप्लीकेशन विंडो लाइव राइटर का, तो आप उस पर डबल क्लिक करते हैं वॉइस सेटअप, ठीक है, आइकन पे। जैसे ही क्लिक करते हैं आपको दिख रहा है यहाँ पे स्टूडेंट, कैसे हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑर्गेनाइजेशन साइट से जा करके हमने विंडो लाइव सेंशियल को इंस्टॉल किया, ठीक है, डाउनलोड किया। डाउनलोड करने के बाद डाउनलोडिंग प्रोसेस हो रहा है। उसके बाद हम कैसे इंस्टॉल करेंगे, हमारा डाउनलोड ऑप्शन में फोल्डर में जाकर के वो डाउनलोड हुआ, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो एक हमारा ये इंटरफेस दिख रहा है आपका, कैसे इंस्टॉलिंग प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, विंडो एसेंशियल का यानी विंडो लाइव राइटर का कैसे वो प्रोसेसिंग चल रहा है इंस्टॉलिंग का।
तो ये होने के बाद आपका इंस्टॉल हो जाता है। अब कैसे हम विंडो लाइव राइटर को कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है। आफ्टर इंस्टॉल दिस सॉफ्टवेयर वी यूज़ टू रेडी, हम लोग इसे यूज़ करने के लिए रेडी हो जाते हैं। बट बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग ब्लॉग आपको इसको कॉन्फ़िगर करना होता है, ठीक है। कॉन्फ़िगर राइटर बिफोर यू ओपन इट द फर्स्ट टाइम, अगर आप इसे पहले इस्तेमाल करने से पहले आप इसे कॉन्फ़िगर करना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले आप विंडो लाइव जाते हैं, ठीक है। वहाँ पे ऑल प्रोग्राम में स्टार्ट बटन, ऑल प्रोग्राम में जाते हैं, विंडो लाइव पे जाते हैं। विंडो लाइव राइटर पे क्लिक करने के बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट विंडो एसेंशियल 2012 सर्विस एग्रीमेंट का ऑप्शन आता है। देख रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ पे आपका यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, जैसे ही हमने यहाँ पे ऑल प्रोग्राम में जाकर के ये क्लिक किया तो आपको ये दिख रहा है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, ये इस तरीके से आपका ऑप्शन आ जाता है। उसके बाद आप एक्सेप्ट का ऑप्शन क्लिक करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक करते हैं, उसके बाद आपका वो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म वर्डप्रेस के ज़रिए आपका स्टार्ट होता है। आप उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं, देख रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ पे आपका ये आपका आया, ठीक है। ये ऑप्शन के बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो अनदर नेक्स्ट ऑप्शन आपका खुलता है, तो जाकर के आप स्टार्ट कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही एक नेक्स्ट ऑप्शन आता है, व्हाट ब्लॉग सर्विस टू यूज़, आप कौन से ब्लॉग को इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो नेक्स्ट आपका ऑप्शन आएगा स्क्रीन पे मैसेज कि आप कौन सा, क्रिएटिंग अ न्यू ब्लॉग, वर्डप्रेस, शेयरपॉइंट, अदर सर्विस, तो आप यहाँ पे वर्डप्रेस को चेकबॉक्स पे क्लिक करते हैं। उसके बाद करने के बाद आपको फिर से एक विंडो लाइव राइटर का एक अनदर बॉक्स खुलता है, उसमें आपको आपका वेब एड्रेस, आपके ब्लॉग का यूज़र नेम और पासवर्ड जनरेट करने होते हैं, ठीक है। जैसे ही ये सब आप कॉन्फ़िगर करते हैं तो आपका वो सेटअप यानी आपका वो सेटिंग स्टार्ट हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट। ये आपका सेटिंग स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद सेटिंग स्टार्ट होने के बाद आप उसमें अपने ब्लॉग को एक निकनेम देते हैं। तो इसके लिए आपका एक ब्लॉग जैसे ही सेटअप हो जाता है तो आपका एक ब्लॉग डायलॉग बॉक्स खुलता है, ठीक है। विंडो लाइव राइटर का एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, योर ब्लॉग हैज़ बिन सेटअप, आपका सेटअप हो गया है। उसमें आपको एक ऑप्शन आता है, कॉलम आता है ब्लॉग निकनेम, आप ब्लॉग निकनेम दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका वो विंडो लाइव राइटर आपका स्टार्ट हो जाता है और आपके पेज को क्रिएट करके एक नए तरीके से आपके सामने देता है। हेयर यू कैन डायरेक्टली पब्लिश योर पोस्ट विदाउट इवन ओपनिंग योर ब्राउज़र, आप यहाँ पे बिना ओपन किए हुए ब्राउज़र को आप डायरेक्टली अपने पोस्ट को भी पब्लिश कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या है, अंडरस्टैंडिंग द विंडो लाइव राइटर स्क्रीन, ओके। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है आपका अंडरस्टैंडिंग विंडो लाइव राइटर स्क्रीन, कैसे हम इसको देख पाएंगे, कैसे इसके स्क्रीन को समझ पाएंगे वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। आप यहाँ देख रहे हैं कि विंडो लाइव राइटर का आपका स्क्रीन यहाँ पे खुला, यहाँ पे बहुत सारे उसके कंपोनेंट है, ठीक है। विंडो लाइव राइटर का आपके सामने स्क्रीन दिख रहा है, यहाँ पे आपको उसके बहुत सारे कंपोनेंट देखने को मिलते हैं। उसके क्या क्या कंपोनेंट है, ठीक है। पहला है आपका टाइटल बार जो सबसे ऊपर की ओर होता है, उसमें आपका ब्लॉग नेम डिस्प्ले करता है आपके एप्लीकेशन नेम के साथ, ठीक है। द एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ द टाइटल बार डिस्प्ले क्विक एक्सेस टूल बार, जस्ट आपके टाइटल बार के जस्ट बगल में, ठीक है, लेफ्ट साइड में, एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में आपका एक क्विक एक्सेस टूल बार होता है जो सारे कंट्रोल बटन को प्रेजेंट रखता है उसमें, ठीक है। उसके बाद आता है आपका रिबन, क्या आता है रिबन, रिबन में आपको वो सारे ऑप्शन, ठीक है, आपको वो सारे ऑप्शन डिस्प्ले करता है जो सारे टैब्स होते हैं, चाहे वो लाइव राइटर टैब, इंसर्ट, होम, ब्लॉग अकाउंट, ये सारे कमांड आपको रिबन एरिया में देखने को मिलता है। पोस्ट प्रॉपर्टी टूल बार, पोस्ट प्रॉपर्टी टूल बार में ये आपका इस्तेमाल होता है, आप कोई भी कैटेगरी को ऐड करना चाहते हैं, टैग को ऐड करना चाहते हैं, शेड्यूल पब्लिकेशन डेट एंड टाइम को, या कोई भी ऑथर असाइन नेम करना चाहते हैं, तो आपका ये पोस्ट प्रॉपर्टी टूल बार में जाकर के आप कर सकते हैं, ठीक है। वर्क स्पेस, वर्क स्पेस कहने का मतलब आप अपना पोस्ट एक ऐसे एरिया में
तैयार करते हैं, रेडी करते हैं, जिसको हम वर्क स्पेस बोलते हैं। आप यहाँ देख रहे होंगे, ये वाइट एरिया आप देख रहे हैं, यहाँ पे इसे बोलते हैं वर्क स्पेस। यानी आप अपना पोस्ट इसी एरिया में आप अपना रेडी कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। व्यू टैब, व्यू टैब आपको तीन तरीके को देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये आपके बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में होते हैं, व्यू टैब देख रहे हैं स्टूडेंट, एकदम जस्ट नीचे की ओर, सबसे लेफ्ट बॉटम की ओर। यहाँ पे ये आपको तीन कैटेगरीज में होते हैं, एडिट व्यू, प्रीव्यू, उसके बाद सोर्स टैब। यानी तीन तरीके का आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। पहला एडिट, इन दिस व्यू द पोस्ट इज एक्चुअली कंपोज्ड। एडिट व्यू में आपका इस व्यू में आप अपना जो पोस्ट होता है कि मैंने ऑलरेडी इसे बना चुका, यानी कंपोज्ड कर चुका। फिर नेक्स्ट है आपका प्रीव्यू। प्रीव्यू कहने का मतलब इस व्यू में आप अपने पोस्ट को लाइव प्रीव्यू देख सकते हैं, ठीक है। सोर्स, इस व्यू में आप क्या कर सकते हैं, द सोर्स कोड ऑफ द पोस्ट कैन बी सीन। यानी सोर्स कोड, यानी अगर कोई आपको देखा है आपके पोस्ट को, वो आप सोर्स व्यू के जरिए आप पता कर सकते हैं, ठीक है। क्रिएटिंग अ पोस्ट, तो कैसे हम अपना पोस्ट को क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपने कर्सर को ले जाएंगे, प्लेस योर कर्सर एंटर इन अ पोस्ट टाइटल। आप अपना कर्सर को क्या करते हैं, पोस्ट टाइटल में, यहाँ देख रहे हैं आप स्टूडेंट, यहाँ पे आप पोस्ट टाइटल में आप क्या करते हैं, कर्सर को ले जाते हैं। कर्सर को ले जाने के बाद आप वहाँ पे पोस्ट टाइटल पे कुछ टाइटल करते हैं, प्रेस एंटर टू मूव द राइटिंग एरिया। आप उसके बाद एंटर करते हैं अपने राइटिंग एरिया पे और अपना आर्टिकल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपका जो चॉइस होगा, ठीक है, आप अपने कमांड से, अपने रिबन कमांड से वो चॉइस अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड स्टेप में ऐड हाइपरलिंक, इमेज, वीडियो, मैप एक्सेट्रा। अगर आपको आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको इमेज और वीडियो आपको चाहिए, तो आप अपना इंसर्ट टैब में से जा करके कोई भी पिक्चर, वीडियो या लिंक आप मैप्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यू कैन सेटअप वेरियस ऑप्शन फॉर योर ब्लॉगिंग बाय क्लिकिंग ब्लॉग ऑप्शन, ब्लॉग अकाउंट टैब। अगर कोई भी ऑप्शन, ठीक है, चाहिए, तो आप ब्लॉग ऑप्शन में जा करके आपके ब्लॉग अकाउंट टैब में अगर कोई ऑप्शन देखना चाहते हैं कि हमारा ब्लॉग कैसे तैयार हुआ है, उसके क्या ऑप्शंस है, आप ब्लॉग अकाउंट टैब में इसे जा करके ब्लॉग ऑप्शन के जरिए देख सकते हैं। द ऑप्शन दैट कैन बी सेटअप फ्रॉम हेयर आर कैटेगराइज अकाउंट, पिक्चर, एडिटिंग प्लग इन, एडवांस। ये सारे ऑप्शन आपको आपके ब्लॉग अकाउंट के जरिए देखने को मिलते हैं। क्लिक एंड ओके, यहाँ पे वो सारे अकाउंट को सेट करने के बाद, ऑप्शन को सेट करने के बाद आप अपना ओके बटन प्रेस करते हैं आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। उसके बाद आप जैसे ही ये करने के बाद आपका फिफ्थ स्टेप आएगा, जो पांचवा स्टेप होगा, द शॉर्टकट ग्रुप ऑन द ब्लॉग अकाउंट टैब अलाउ यू टू क्विकली व्यू द साइट। यानी आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, शॉर्टकट ग्रुप आपके ब्लॉग अकाउंट टैब पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। आप वहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, तुरंत आप अपने ब्लॉग के साइट पे जा कर के व्यू कर सकते हैं। एक्सेस द डैशबोर्ड और मैनेज द कमेंट दैट विजिटर हैव मेड अबाउट योर ब्लॉग पोस्ट। यानी कैसे आप अपने कमेंट को, ठीक है, मैनेज करते हैं, एक्सेस करते हैं, वो आप यहाँ ब्लॉग अकाउंट के जरिए डायरेक्टली व्यू कर सकते हैं। सिक्स स्टेप में जैसे ही आप ये करने के बाद, नेक्स्ट स्टेप आपका बोलता है कि आप अपने थीम को कैसे अपडेट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ अपडेट थीम बटन के जरिए। आप यहाँ पे क्लिक करते हैं अपडेट थीम बटन पे, उसके बाद आपका थीम ग्रुप खुलता है, वहाँ पे आपको जो भी थीम चूज़ करना होता है क्लिक करते हैं, और आपका जो ब्लॉग थीम होता है वो ऑटोमेटिक क्या होता है, अपडेट हो जाता है। नेक्स्ट आपका ब्लॉग थीम बटन अलाउ यू टू व्यू आवर ब्लॉग पोस्ट विद और विदाउट द चूजन थीम एज शोन। अगर आप चाहते हैं कि आप ब्लॉग थीम बटन को इस्तेमाल करते हैं, ये आपको मदद करती है आपका ब्लॉग पोस्ट कि आप बिना थीम के देखना चाहते हैं या थीम के साथ, तो आप दोनों तरीके से भी कर सकते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं कि कैसे हमने एक कार को विदाउट थीम इसमें और एक में आपको विद थीम आपको प्रेजेंट हो रहा है। यानी दोनों तरीके से आप अपने थीम्स को अपने ब्लॉग में इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रीव्यूइंग द पोस्ट, अगर एक बार आपने अपना ब्लॉग को लिख लिया, तैयार हो गया, इंसर्ट पिक्चर वीडियोस जो भी था हमने कर दिया अपने ब्लॉग में, उसके बाद हमको प्रीव्यू करना है, हमें देखना है, तो आप प्रीव्यू टैब में, व्यू टैब पे जा करके अपने ब्लॉग को देख सकते हैं।
ठीक है। उसके बाद आप अपने पोस्ट को कैसे पब्लिश करते हैं, ठीक है, जब आपका फाइनली तैयार हो जाता है ब्लॉग, आप उसे कैसे पब्लिश करना चाहते हैं तो आप उसे कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको होम टैब पे जाना होता है, ठीक है। होम टैब पे जा करके आप यहाँ देख रहे हैं, होम टैब पे स्टूडेंट, यहाँ पे होम टैब पे जाने के बाद यहाँ पब्लिश ऑप्शन है, उस पर क्लिक करते हैं तो आपका एक पब्लिशिंग पोस्ट का एक आपके स्क्रीन पे एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है, ठीक है। उस पर आप जो भी आप अपने पोस्ट को पब्लिश करना चाहते हैं तो वो आपका पब्लिशिंग आप पब्लिश ऑप्शन के द्वारा हो जाता है। ओके स्टूडेंट, तो ये तो था आपका आज का टॉपिक, आज का चैप्टर, सेशन 6, यूजिंग ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर, कैसे हम ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर के जरिए अपने ब्लॉग में पोस्ट विदाउट इंटरनेट कनेक्शन को यूज कर सकते हैं, पोस्ट को तैयार कर सकते हैं। ओके, ये था आपका ब्लॉग एडिटर। नेक्स्ट चैप्टर इज इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।